नमस्कार, स्वागत है आपका कुक विद अनीता में। तो आज मैंने बनाए हैं वेजिटेबल के अप्पे। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और टेस्टी भी लगता है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं 2 बोल सूजी ले रही हूँ और मैं 1 बोल लूँगी दही। तो आप जितना सूजी ले रहे हैं उसका आधा आपको दही लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसमें दही मिला रही हूँ। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पहले एक बार मिला लूँगी अच्छे से, एंड फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका अच्छे सा पेस्ट बना लूँगी। तो ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है, पतला भी नहीं रखना है, तो मीडियम हमें पेस्ट रखना है इसका। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए। बीस मिनट बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपको बैटर ज़्यादा थिक लग रहा है अपना, तो आप हल्का सा और इसमें पानी डाल सकते हैं। मुझे अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं भी इसमें कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखे हुए थे, गाजर, प्याज, मटर और टमाटर। आप चाहे तो और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कैप्सिकम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो मैं मिर्ची स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने 2 स्पून ऐड किया, आप स्वाद अनुसार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको अच्छे से एक बार ही मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी धनिया के लीव्स भी डाल लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना सोडा ऐड करूँगी ताकि जो अप्पे हैं वो थोड़े और अच्छे से फूले। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल में ली हुई है मस्टर्ड सीड्स और मीठा नीम, देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और ये हमारा तड़का लग गया। इसको एक बार भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अप्पे का साँचा लिया हुआ है, ये आपको इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। इस पर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ घी, या ऑयल भी लगा सकते हैं आप। तो पहले मैं ऑयल लगा दूँगी अच्छे से, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने बैटर बनाया हुआ था। मैं ज़्यादा नहीं भरूँगी, थोड़ा थोड़ा भर दूँगी, देख सकते हैं। तो मैंने अच्छे से भर दिए। अब मैं इसको ढकूँगी 5 मिनट के लिए और हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो 5 मिनट बाद देख सकते हैं मैं ऊपर से और थोड़ा ऑयल लगा रही, क्योंकि मैं इसको अब पलटूंगी, क्योंकि ये नीचे से सिक चुके हैं, अब ये ऊपर से सिकेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे पलट दिया है, काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं, देख सकते हैं ब्राउन भी हो गया है। तो मैंने सारे पलट दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक और सेकूँगी। तो मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिए और ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। अब मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। तो आप चाहे तो इसको कोई सी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, मुझे कोकोनट चटनी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप हरी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये रेसिपी बना के आप लोग भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।